आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि होम्योपैथिक इलाज कराओ, क्योंकि इसमें बीमारी देर से ठीक जरूर होती है लेकिन जड़ से खत्म हो जाती है। क्या यह हकीकत है और क्या सच में होम्योपैथिक किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है? होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य और लखनऊ के वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी से जाने डिटेल में। देखिए, इस जो आपने बीमारी की बात की है, यहाँ थोड़ा मैं करेक्ट और करूँगा आपको कि जैसे लोगों का मानना है कि हम लोग कोई मेडिसिन देते हैं तो बीमारी ठीक होती है। होम्योपैथिक जो है का कंसेप्ट होलिस्टिक कंसेप्ट है, ये मानती है कि जो बीमारी है वो किसी इंसान के अंदर नहीं है, वो इंसान बीमार है। तो हम लोग जब पूरा केस टेकिंग करते हैं तो उसमें कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है कि उस कब से कब तक क्या प्रॉब्लम्स हुई, कब तक वो फिट था, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल सारी चीज़ों पर स्टडी की जाती है। और जब पूरी चीज़ों पर स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि किसी डिजीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। डिस ईज का मतलब है कि ईज से वो डिस कब हुआ, मतलब पेनफुल कब कंडीशंस आई हैं उसकी। तो जब हम उन चीज़ों को जज कर पाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, यही एक रीज़न है जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। जब हम उस रीजन्स को फाइंड आउट करते हैं, कॉजेटिंग एजेंट फाइंड कर लेते हैं, और जब उस पर रिजल्ट पे मेडिसिन देते हैं, तो कहीं ना कहीं 100% कन्फर्म है कि ये रूट से ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने रूट पे ही प्रहार किया है। और वाइटलिटी के हिसाब से देखा है तो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उससे बॉडी की इम्यूनिटी या ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है और डिजीज़ अपने आप हट जाती है।